नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के शो में हम मध्य प्रदेश से ऐसी शख्सियत से आपको खास मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन और जिन्होंने अपने आगे का जो जीवन है वो पूरे समाज के लिए समर्पित कर दिया है। एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जिनका स्वभाव और जिनकी ओजस्वी वाणी और जिनका संघर्ष उनका इतिहास बोलता है और जो किसी आज परिचय की मोहताज नहीं है इस मध्य प्रदेश में, जिन्हें हम राजधानी में किरण चौकसे के नाम से जानते हैं और वो खुद अपना परिचय आज देंगी। तो किरण चौकसे जी, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार भैया जी। हमारे आपकी जन अदालत न्यूज के दर्शक सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मैं अपना परिचय करवा देती हूँ। मैं सुश्री किरण चौकसे आरसे सरकार भोपाल मध्य प्रदेश राजचंद्रिका फाउंडेशन सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंडल प्रधान कल्चरी कलार समाज युवा नेत्री कहलाती हूँ भैया जी। जी, सबसे पहले आपकी यात्रा के बारे में बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपने बचपन से ही समाज के लिए जो अपना त्याग किया है, और क्या कहेंगे किस प्रकार की यात्रा आपकी समाज के लिए संघर्ष आपने किया है, कैसे आप प्रेरित हुई कि आपको समाज सेवा में जाना है? शुरू से ही मेरे मदद करने की स्कूल टाइम से ही मैं गरीब लोगों को देखती थी, तो मेरा दिल करता था कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने एक जब अपनी कॉलेज टाइम में मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, सरकार ने ही सहारा चाहिए, जिसका आप थ्रू बिल्कुल फेसबुक ग्रुप के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें मैंने भिखारी वर्ग के लिए काम किया और कुछ अनाथ लड़कियों के लिए काम किया। जब मैंने समुदाय के लोगों को, समाज के लोगों को पता लगा तो उन्होंने मुझे समाज में आमंत्रित किया। और 2016 से मैं अपने कल्चरी कला समाज के मंचासीन हो रही हूँ। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह के साथ भी मंचासीन हूँ और अपने शिवराज सिंह जी के साथ भी मंचासीन हूँ और आर आई पी एल साहब जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा ले चुके हैं उनके साथ भी मंचासीन हूँ और लाहौर जिला भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ भी मैं मंचासीन हूँ जो कि एक अच्छे खासे मंत्री पद पर हैं। जी, जिस प्रकार से किरण चौकसे आपको जाना जाता है, जिस प्रकार से लोग आपको पहचानते हैं कि आप एक क्रांतिकारी महिला के रूप में जाने जाती हैं, आपने तमाम संघर्षों से अपने जो जीवन है जीने की आपने कोशिश की है और यहाँ तक कि आपके बारे में सुना है कि आप अपनी युवा अवस्था भी समाज के लिए देना चाहती हैं, ग्रस्त जीवन से दूर रहना चाहती हैं, क्या वजह इसकी मानी जाए? भैया जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो समाज में होती आई हैं और हो रही हैं, जो कि रूढ़िवादी परंपराएँ भी हैं और सामाजिक बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसमें महिला वर्ग अंधविश्वास की ओर बढ़ रही है। अगर मैं ग्रस्त जीवन में प्रवेश करती हूँ तो मैं सिर्फ एक परिवार के लिए अपना योगदान दे सकती हूँ, क्योंकि एक महिला परिवार में रहकर सामाजिक स्तर पर अगर काम करती है तो दोनों मतलब दो नाव पे सवार होकर पूरी तरह से समर्पित भाव नहीं दे सकती है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में जो अंधविश्वास फैल रहा है उसके लिए भी मैं काम करूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, धार्मिक हूँ और दूसरा कि राजनीतिक पहलुओं को समझ कर, क्योंकि राजनीति आज के डेट में जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति को कीचड़ मान रहे हैं, तो राजनीति कीचड़ नहीं बल्कि सरोवर है, उसको सामाजिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करती है। अगर हमारी युवा पीढ़ी को पता लगे कि सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़कर वो राजनीति में भी अपना करियर बना सकते हैं तो एक बहुत बड़ा बेस तैयार होगा युवा पीढ़ी का। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे अकेले के अगर समाज सेवा में योगदान देने से बहुत सारी युवा पीढ़ियों की लाइफ सुधर सकती है, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं पूरा अपना वक्त समाज सेवा सेविका के रूप में समाज को समर्पित कर दूँगी। आज जी किरण जी, जिस प्रकार से आप देख रही हैं दिल्ली में निर्भया कांड हो और ऐसे तमाम वो कांड आते हैं जब देश पूरे तरीके से झंझोर जाता है, तमाम जो आपकी तरह मंच पर दहाड़ती हैं, समाज के लिए मान सम्मान के लिए बोलती हैं, उनके लिए संघर्ष करती हैं, लेकिन जब उनके सामने इस प्रकार के हादसे होते हैं, आपके सामने भी कई आपने हादसे होते हुए देखे होंगे और आप भी इस तरीके से कभी कभी आपकी हिम्मत भी टूटती होगी जब ऐसे पड़ाव सामने आते हैं, तब आप क्या कहना चाहेंगी? बात है कि जो हमारा महिला वर्ग है उसको आज भी हम बोलते हैं कि शिक्षित समाज है, बल्कि ऐसा नहीं है, शिक्षित समाज नहीं है। कहीं ना कहीं हम शिक्षा के तौर पर जुड़े हुए हैं, हम कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, मगर जब बात अपने आप पर आती है, अपने परिवार पे आती है, हम पिछड़ा जाते हैं।
क्योंकि बदनामी का डर रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। मेरे सामने अभी एक लड़की बैठी हुई है पलक राय जी, वो कि बहुत संघर्ष कर रही है अपने जीवन में, परिवार से भी अलग है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। अभी उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप में अपने एक फ्रेंड से साथ हो रही है, 7 महीने हो गए उनको रहते हुए, अब फाइनली वो लड़का चला गया। तो अब सामाजिक संगठनों का काम बनता है कि समाज, चाहे वो कोई भी समुदाय, 90 कम्युनिटी है, अगर वो अपने अपने समुदाय में एक शिक्षा का अभाव जो जहाँ भी है उनको बताया जाए कि अगर किसी भी बिटिया के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोगों को आवाज़ उठा बुलंद करनी है, हमें उनका सपोर्ट करना है। तो उसके जो प्रोसेस होती है, जो लीगली प्रोसेस होती है, अगर आप कानून लीगली अगर फाइट करेंगे तो यकीन जाने आगे बढ़ेंगे, मगर आप पहले ही बदनामी का डर दिखा देते हैं, परिवार वाले बदनामी का डर दिखा देते हैं, तो भैया जी कहीं ना कहीं महिलाएं पिछड़ा जाती हैं। अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, अगर महिलाओं को, स्त्रियों के, जैसे आप खुद भी जानते हैं निर्भया सशक्तिकरण है, ठीक है, निर्भया टीम है, महिला बाल विकास है, महिला सशक्तिकरण है, महिला टीम है, आप महिलाओं के लिए कितनी कानूनन प्रोसेस है। अगर जब महिलाओं के बीच में इसका अभाव होगा, शिक्षा का अभाव होगा, जानकारी नहीं होगी, तो भैया जी कहीं भी महिलाओं का शोषण हो जाएगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए आपका संगठन भी एक चल रहा है जी, तो संगठन किस तरीके से काम करता है भैया जी? मेरा टोटल काम वैचारिक है, मैं कहीं किसी को कम्बल नहीं बांटती, मैं कहीं किसी को मिठाई के डिब्बे नहीं देती हूँ, मैं सीधा वैचारिक काम करती हूँ। अगर विचार काम कर जाए ना भैया जी, तो वहाँ कम्बलें अपने आप ही आ जाएंगी, अपने आप ही वहाँ हर एक साध्य सामान एकत्रित हो जाएगा। अगर आपके विचार समाज को प्रेरणा देते हैं और उसको जागरूक करते हैं, तो जागरूकता सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, OBC हो, जर्नल हो, ST SC वाले हो, अगर आपने जागरूकता चलाई, जागरूकता अभियान के तहत काम किया, तो विचार आपके कारगर सिद्ध होंगे और युवा पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी भैया जी। हमारे साथ इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर किरण चौकसी भोपाल से जुड़ी हुई है। किरण चौकसी जी, आपसे अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा हुआ है, समूचा विश्व इस समय कोरोना से त्रस्त है, हम और आप भी आज लाइव बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इस प्रकार से बड़ी बेरोजगारी का सामना लोग कर रहे हैं, वो तमाम महिलाएं जो कल के दिन अपना बिजनेस करती थी, कुछ ना कुछ काम करती थी, आज उनका काम धंधा भी बंद हो गया है, आज वो घर बैठी हैं। तो इस बेरोजगारी को देखते हुए आप प्रशासन से, आप किस तरीके से आपका संगठन मांगती है? तो यही कहूँगी, देखिए बूंद बूंद करके घड़ा भराता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कई संगठनों का सार होती है, जैसे BJP विश्व हिंदू परिषद का है, RSS का है, यहाँ तक कि और भी धार्मिक जितने भी संगठन है वो सपोर्ट करते हैं, मगर जो संगठन है वो भी कई गुटों से जुड़े हुए होते हैं। हर एक वार्ड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्षेत्र के हिसाब से विधायक होते हैं, विधायक को वार्ड के हिसाब से पार्षद होते हैं, अगर हर एक वार्ड में हर एक एक संगठन अगर खड़ा हो जाए तो उस वार्ड की पूरी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वार्ड परिषद है, अपने नगर पंचायत है, अगर वो अपने आसपास के जितने भी परिवार हैं, जितने भी समाज हैं, उन महिलाओं को एक धारणा दें, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कितने करोड़ों का बजट गरीब परिवार की महिलाओं के लिए आया है, युवाओं के लिए आया, बेरोजगार मजदूरों के लिए आया है, मगर बात यह है कि प्रोजेक्ट पास होते हैं दिल्ली से, ठीक है, और वो जाते हैं टुकड़ों में, राज्य में बढ़ जाते हैं, मगर वो चीज़ जो व्यवस्थाएं समाज को दी जा रही है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है भैया जी। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये चाहूँगी कि जिस तरह से पक्ष को देखने के लिए विपक्ष होता है, उसी तरह आप जो भी प्रोजेक्ट पास करते हैं उसके लिए एक अलग टीम बनाई जाए कि जो सुविधाएँ आप समाज को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, बेरोजगारों को दे रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उन तक वो सामान साध्य पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर ये टीम नहीं होगी ना भैया जी, तो आप जानिए कि बीच में जितने भी दलाल हैं जो कि संगठनों द्वारा ही पैदा होते हैं, वो सारा के सारा मटेरियल खा जाएंगे। आप चाहते देखिए कितने संगठन जुड़े हैं, कितनी संस्थाएं जुड़ी हैं जो कि फर्जीवाड़ा चला रही हैं, आज तक सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला कर दिया, आज भी वो केस के रूप में, फाइल के रूप में पड़े हुए हैं, मगर बात यह है कि हमारी संस्थाएं खा जाए। तो मैं यही शासन प्रशासन से, जितने भी मंत्री हैं, मंत्री परिषदों से यही अनुरोध करूंगी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं उससे पहले उस प्रोजेक्ट पर अमल करने वाले लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए एक टीम क्रिएट कीजिए। जब तक वो टीम क्रिएट नहीं होगी भैया जी, मैं नहीं समझती
सकती है कि कोई भी महिला सुरक्षित रह सकती है, कोई भी बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुहैया हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट के प्रति अंदर राजनीति से जुड़ने की भावनाएं आ सकती हैं। आजकल आप जो भी देख रहे होंगे राजनीति में जितने भी जो युवा पीढ़ी आती है, जितने भी बंधु आते हैं जो जय कारा जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उसमें से तो सब आधे से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग होते हैं भैया जी। कुछ वो महिलाएं होती हैं जो रोटी और मिलने जाती है, कुछ बर्तन करने जाती है, 100-100, 500 रुपए की लागत से भीड़ इकट्ठी की जाती है, मगर जो वाकई दिल से काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी है भैया जी। जी बिल्कुल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर आपने किया है। किरण चौकसी जी, क्या कहेंगी आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं, जो तमाम कहे या वो संत कहें या MLA कहें, उत्तर प्रदेश में एक विधायक पर भी आरोप है, उन्होंने बलात्कार किया है, तो ऐसे लोगों के लिए जिस प्रकार से निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, तो इन सारे बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा लागू क्यों नहीं होना चाहिए देश के? भैया जी, मैं कहती हूँ फांसी की सजा बहुत अच्छा, मतलब यानी कि फांसी की ही सजा होनी चाहिए, मगर बात यह है ना भैया जी कि मैंने जिस तरह पहले बताया कि जागरूकता का अभाव है, आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए सुविधाएँ बहुत हैं और सुविधाएँ होती रहेंगी, महिलाओं के लिए टीम बहुत है, बहुत सारे संगठन हैं, अनगिनत संगठन हैं, वो सारे खुलते रहेंगे, मगर सबसे पहले जो महिलाओं की सुरक्षा होती है वो अपने परिवार से होती है। एक सीप में मोती की तरह, जिस स्त्री की संख्या में एक सीप में मोती की तरह होगी, अगर परिवार ने अपनी बेटियों को सीप में मोती की तरह रखा, देखिए एजुकेशन की जगह एजुकेशन है, आप खुद ही बताइए कि जैसे कि दिल्ली में ज़्यादातर बलात्कार के कांड क्यों होते हैं, आप मुझे बताइए, ज़्यादातर जन समुदाय में जितने भी कांड हो रहे हैं बड़े बड़े महानगरों में ही क्यों होते हैं, छोटे छोटे, आपने कभी सुना है किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी का बलात्कार होते? अगर सुना भी होगा तो सोने से शायद ही एक आध केस होंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं अपनी बेटियों पर नज़र रखते हैं, अगर उनकी बेटियां कहीं भी जा रही हैं उनकी जानकारी, उनकी टाइम टेबल का उनको अनुसरण होता है कि बेटी अगर स्कूल जा रही है सुबह 8 बजे से निकली और 2 बजे स्कूल से वापसी का टाइम है, तो 2 से अगर 10 से आधा घंटे की भी लेट होती है तो उनके परिवार वाले उन लड़की को देखने लगते हैं, समझ रहे हैं भैया जी, बहुत सारे कांड जो लड़कियों को हो रहे हैं, वो देखिए माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी शिक्षित हो, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, हर माँ बाप चाहता है उनकी बेटी जॉब करे, मगर उसकी भी जॉब की भी एक टाइम टेबल होती है भैया जी, सुबह अगर 8 घंटे का जॉब है तो 8 से 10 घंटे अगर लड़की बाहर रहती है तो 10 घंटे, मगर अगर 10 से 15 घंटे होते हैं उस पर भैया जी आपका बाकी के 3 घंटे का टाइम कहाँ गया, समझ रहे हैं ना बात, अगर आपकी बेटियां सही समय पे नहीं आती है तो उस बीच में वो जहाँ भी जाती है उस पर कौन कौन नज़र रख सकता है, कौन कौन की जानकारी में आ रही है, ये माँ बापों को पता नहीं होता, और इसी बीच में अगर कोई कांड घटित हो जाता है तो हम सीधे लड़कियों को दोष, वो जिन लड़कों ने गलत किया होता है वो तो दोषी है ही, मगर सबसे बड़ा दोषी लड़की के अभिभावक होते हैं, अगर वो अपनी लड़कियों को सही शिक्षा, सही सलीके की एजुकेशन, स्कूल में सही एजुकेशन उनको प्राप्त हो तो ये कांड होना बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी बात कि हर एक, मैंने जिस तरह से कहा कि हर एक वार्ड में एक संगठन होना चाहिए महिलाओं के लिए, अगर हर एक संगठन में, हर एक समुदाय में एक संगठन स्त्रियों के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए होगा, तो यकीन जाने ये कांड होना बंद हो जाएंगे भैया जी, और जब तक खाकी मौन रहेगी खतरा बढ़ता जाएगा, भारत की सरहदों में भारत लुटता जाएगा, आप खुद देखिए कि मिलिट्री फौजी भाइयों पर कभी कोई अंकुश क्यों नहीं उठाता, जहाँ फौजियों की बात आती है कि हम जोर से दिल से कहते हैं जय हिंद, जहाँ खाकी की बात आती है वहाँ इंसान मायूस क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले खाकी अपना कर्तव्य है वो अगर सलीके से पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य बिल्कुल फौजियों को अपना निभाना स्टार्ट कर देगी तो ये कांड अपने आप ही बंद हो जाएंगे भैया जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी सरकार यहाँ पर जुड़ी हुई थी, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी खास मुलाकात होगी, आपकी जन अदालत न्यूज़ हमेशा लगातार प्रयासरत है कि उन क्रांतिकारी महिलाओं से आपके परिचय कराएं जो आज राजधानी स्तर पर लगातार महिलाओं के लिए ससम्मान, उनके लिए संघर्ष कर रही हैं, खुद को समर्पित कर रही हैं समाज के लिए अपना त्याग करके, तो यहाँ पर एक बड़ी बात है, और सभी महिलाओं से मेरी अपील है आपकी जन अदालत न्यूज़ की ओर से, यदि आप अपनी मन की बात, अपने अपना जो भाव है
जो देश के लिए समाज के लिए जो कर गुजरने की तमन्ना है और वो आप रखना चाहती हैं तो आपकी जनादरण स्वागत करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।